मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का सर झुका करके प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब माँ का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। संविधान मेरा मार्गदर्शक है। संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे लीरे उड़ा दिए। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने सावानू का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया। उसके बाद उनके शाहजादे, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे लीरे उड़ा दिए। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है।